या अल्लाह, कैसे आदमी से शादी कर ली मैंने। बेवकूफी तो रगों में खून बन के दौड़ती। किसी को परेशान करने के लिए कोई ऐसे करता, और उनसे बड़ी बेवकूफ मैं जो हर बार यकीन कर लेती हूं उन पे। इस बार नहीं। हेलो, तू मेरा फोन क्यों उठाई? मुझे ये सब मजाक लग रहा है ना? अपने शोहर से उग गई है या उसकी जान प्यारे नहीं है तुझे? नहीं, मैं अपने शोहर को कुछ ज्यादा ही जानने लगी। और मैं ये जानती हूँ कि ये सब कुछ वो मुझे परेशान करने के लिए कर रहा है, समझे ना आप? लो, सुनो, तुम्हारी बीवी तुम्हारी कितनी तारीफ कर रही। अरे मोहतरमा, जरा एक बार और अपनी बात फरमाइएगा, क्या कह रही थी आप? फिर से मैं 100 बार कहूंगी, मेरे शौहर मुझे परेशान करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। ये किडनैपिंग तो क्या चीज है, मैं जानती हूँ ये सब उनकी चाल है। और क्या मुझे बता सकते हैं ये सब करने के लिए उन्होंने कितने पैसे दिए आपको? इंसान का असली चेहरा पूरे वक्त में ही नजर आता है। पूरी दुनिया समझती है कि तुम दोनों एक दूसरे को दिलेजान से मोहब्बत करते हो, पर असली तो हमारे में नहीं। असल में तो तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही भाई। खैर, ये तुम दोनों मियां बीवी का मैटर है, मुझे क्या? मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। अगर मेरा पैसा नहीं मिला तो तेरे शोहर के जिस्म के टुकड़े टुकड़े इस कश्मीर की हंसी वादियों में मिल जाएंगे। या अल्लाह, ये तो सच में उन्होंने किडनैप कर लिया। देखो, अरमान को कुछ नहीं होना चाहिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? 3 घंटे के अंदर 5 करोड़ रुपए लेकर हैंगिंग गार्डन की पीछे वाली गुफा में आ जा। और हाँ, पुलिस को इत्तला करने की हिमाकत मत करना, वरना तुम्हारा शोहर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। जो डील करनी है मुझसे करो, मेरी बीवी मेरी मदद करने के लिए नहीं आने वाली। गुंडों ने किडनैप कर लिया। अगर मैं पैसे लेकर नहीं गई तो वो सच में अरमान को मार डालेंगे। अरमान को यहाँ कश्मीर में कौन जानता है? उन लोगों को कैसे पता चला कि अरमान इतने पैसे वाले हैं? कम इन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये आपके लिए अभी अभी आया है। मेरे लिए? जी। थैंक यू। अरमान सर कहीं दिखाई नहीं दे रहे? वो एक्चुअली किसी काम से बाहर गए हैं। अच्छा, उन्होंने मुझे वो हैंगिंग गार्डन के पास जो केव्स हैं वहाँ बुलाया है। कितनी दूर है वो जगह यहाँ से? वो तो बहुत दूर है यहाँ से, और कम से कम 1 घंटे का रास्ता है। आप कहो तो मैं आपको वहाँ ले चल सकता हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू, आई विल मैनेज। ओके मैम। आपको नहीं जाने देंगे।
जब भी कोई गुनाह होता है बात जंगल में आग की तरह फैल जाती है और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि हमारे वजूद पे किसी भी तरह का शक हो। अगर किसी से पता चल गया कि मैं कौन हूं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इनकी लाश का क्या करूं? दरवाजा खोलो, हम पुलिस वाले हैं। दरवाजा नहीं खुला तो हम दरवाजा तोड़ देंगे। पुलिस क्या क्या करे? अगर मैं सब कुछ ऐसा नहीं हो सकता। खान बेगम हार नहीं मान सकती। उसे बचाना मुझे। काले साए की नजर पड़े तो बसा बसाया घर उजड़ जाते हैं, जैसे हमारा उजड़ गया। उस डायन ने आपकी अम्मी की जान ली है, अभी भी उसी के कब्जे में है। सब मेरी वजह से हुआ है। बिना किसी को अच्छे से जाने अपनी जिंदगी में शामिल करना गलत होता है। हम तो बहुत पहले से उसकी हकीकत जानते थे और कई बार आपसे कहने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार हमें वो रोक देती थी। पर आप जानते हैं कितने दिनों तक हमें उसे उस सुराही में कैद रखा। या अल्लाह, सब कुछ खो दिया। मैं नहीं छोड़ूंगा उसे। नहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। देखो बेटे, वो किसी को भी मार सकती है, हम सबको मार सकती है। मेरे बेटे साहब, ये लोग क्या हैं? आइए आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, वरना ये लोग मुझे मार देंगे। अरेस्ट करो इन्हें। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप गलत कर रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए, वरना ये मुझे जान से मार देंगे। बहुत डर लगा है। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ले चलो इन्हें। इंस्पेक्टर साहब, तो ये मत समझना कि तू जीत गई है। तेरे कर्मों की सजा तो अब वही जुटेगा। बस तो देख देख जा। चलिए आप। औरत के आंसुओं के सामने तो खुद को खुद बिगड़ जाता है।
जब मैंने मैनेजर से ये कहा कि मुझे हैंगिंग गार्डन के पास जाना है, तब उसने एक बार ये क्यों नहीं बताया कि वो भी वहाँ रहता है? क्या ये हैज़े इत्तेफाक है या मानकी की किडनैपिंग के पीछे यहाँ के मैनेजर का भी हाथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे सिचुएशन में हर किसी से शक हो जाता है। मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही, मैनेजर तो यही है डेलबॉय ने क्यों बोला कि छुप छुपे पे? जैसा प्लान किया था वैसा ही हो रहा है। हमारा काम वक्त पर हो जाएगा। खुदा हाफिज। इंसान की अगर जिद पक्की हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। और फिर मैं तो शैतान। बहुत लोगों के साथ कॉन्टैक्ट है, वो खुद को बचाने के लिए आपके ऊपर फिर से हमला करवा सकता है और हमारी जिम्मेदारी है। जी जी आइए आइए। सब चले गए तो क्या हो गया? तुम्हारी नई नई अम्मी तो है ना? किचन में बहुत कुछ खा लो। क्या करूं? तुमने वादा तो मुझे तो यहां आना ही था ना? जिस ताकत के दम पर तुम इतनी खुश हो रही हो, वो ताकत मैंने तुम्हें दी है और उसके बदले मैंने आपको इन्हीं दिया था। लेकिन तुमने मेरी बात को नजरअंदाज भी किया है। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम किसी का कत्ल नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी तुमने एहसान की अम्मी को जान से मार डाला। पढ़ो इसे हमें रिकॉर्ड करना है। तुम्हें पढ़ना ही होगा।
इतनी भी मार मत खाना कि जब तुम्हारी बीवी तुम्हें बचाने आए तो तुम्हारी शक्ल भी ना पहचान पाए। मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करने वाला। ठीक है, माना कि तुम्हारा जिस फूला का बना, लेकिन तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बीवी तो फूलों की बनी होगी ना, उसकी खाल उतारेंगे लेकिन अपने हक के लिए हम कुर्बान होते हैं और इस बार सबके लिए मैं कुर्बानी दूंगा और ये सिर्फ मेरे जान की कुर्बानी नहीं होगी, बहुत से मासूम लोगों की जान मेरे साथ जाएगी। यह हक की लड़ाई है और हम अपना हक लेकर लड़ेंगे। मुझे इस के बारे में पहले कुछ नहीं मालूम था। देख, गलती एक बार बार हो तो माफ कर दूं, लेकिन तूने तो हमारे मिशन का मजाक ही बनाया। किसको उसको ठंडक दिखाया? पूरे कश्मीर में यही था। सर, मैंने इसके बारे में पता किया। ये कोई आम इंसान नहीं है, ये भोपाल का सबसे रईस आदमी है। मतलब मेरी भी कहता कि पीछे से तुम्हारा हाथ है। चुप, क्या ब्लास्ट लगा रखे तुम दोनों ने? 5 करोड़। अगर तेरी बीवी ने 5 करोड़ का इंतजाम नहीं किया तो तुम दोनों मरने के लिए तैयार हो जाना। ये जैकेट देख रहे हो? इसे सुसाइड बॉम्बर्स पहनते हैं। यदि वो पैसा लेकर नहीं आए ना, तो ये जैकेट कल तुझे पहनाकर श्रीनगर के मॉल में भेज दूंगा। और फिर हजारों बेगुनाह खामोखा मर जाएंगे। ये भोपाल का अरमान शेख अखबार की मेन पेज पर इस तरह आएगा।
रुको। कौन तुम?